किसान भाइयों नमस्कार। बबलू पूनिया यूट्यूब और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने जो है बहुत ही जबरदस्त गन्ना खड़ा हुआ है। थोड़ी सी जानकारी किसान भाई से लेंगे, उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं, गांव जो है काफी चर्चित गांव है, जो 2013 दंगों में भी काफी मशहूर हुआ था, कवाड़। और चौधरी साहब हमारे सामने है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। भाई साहब थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय करवा। भैया मेरा नाम हितेंद्र मलिक है जी, गांव मेरा कवाल है। बहुत बढ़िया जी। तो ये अपना जो गन्ना है, गन्ना काफी जबरदस्त खड़ा, ये तो कौन सा है जी? ये 13235 है जी। 13235 जी। ये कब की बुआई है जी? बुआई लगभग ये तो मेरे ख्याल 60-70 दिन हो गए जी। 70 दिन मतलब मार्च के आसपास, लास्ट में। हाँ ठीक है। बीज 13235 है जी। 13235 हटो बचो बीज। ये तो मुझे बहुत यूट्यूबरों ने पिछले साल बहुत परेशान करा। अच्छा जी। तो मन करा नहीं बोलते, पर अब के बार जबरदस्ती बोया दीजिए देख के। अच्छा जी। मतलब मुझे लगा है जितनी भी यूट्यूब में बना रहे वीडियो उसमें एक हमारे चैनल ऐसे रहे जो इस पर लगातार हाँ, रहे। हाँ, पॉजिटिव रहे आप। अगर हम पिछले साल बोल लेते तो हम काफी नुकसान से बच जाते जी। बिल्कुल। बताओ क्या कमी है इसमें? ब्याज नहीं है इसमें। और मेरे तो जैसे मैं वीडियो बना के डाल दू था भाई बढ़िया है, एकदम कहते थे तू तो दलाल है, तू तो बीज। अभी देखो इसमें ट्रिलिंग कितनी है प्लांट में आप देखो। हाँ जी बिल्कुल। एक आंख का है यो। अच्छा मैं ये सारा जो खेत एक आंख से बुआ है? नहीं, मतलब इसमें जो एक आंख से तो ट्रिलिंग कर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ वो तो है तो ये शादी भी थी, दो कंचे का बो रखा दो। अच्छा अच्छा। तो इसकी चौड़ाई कितनी रखी? 30 इंची है भैया। 30। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों देख सकते हैं 30 इंची गन्ना बुआई पे कितना जबरदस्त ट्रिलिंग कर रहा है, और ये जो है लगभग 60-65 दिन का। हाँ जी हाँ जी। बस अब इसमें भाई साहब थोड़ा सा मुझे ये बता दो, एक बार इधर को जाओ, इसमें आप बुआई में क्या क्या डालना करो, खेत की तैयारी कैसे करो? इसमें थायो और फिप्रोनिल डाला था शुरुआत में जी, पेंडे पे। और डाई वगैरह डीएपी में मिला, एनपीके में मिला। एनपीके कितने? एनपीके की बीघा यहाँ कितने बिस्से के हिसाब से है? बिस्से का तो मुझे नॉलेज नहीं है, पर ये हमारा ना 816 गज का बीघा है। मुजफ्फरनगर वाला हो गया ना। हाँ जी। 683 मीटर का है। 683 मीटर का बीघा है। तो छोटा ही बीघा हो गया ना। छोटा बीघा है। तो उसमें आप कितने किलो एनपीके? मैंने इसमें 15 किलो का बीघा डाल दी। 15 किलो का बीघा जी, मतलब 6 बिस्से में जी। ठीक है। और फिप्रोनिल और थायो डाल दी जी। और उसके बाद? उसके बाद फिर पहले पानी पे यूरिया लगाया था। ठीक है। यूरिया में क्या नाम, जाइम मिलाया था। अच्छा अच्छा। हाँ एक बायस्टर्ड कंपनी का जायम आता है, वो लगाया था 2 किलो का बीघा। ठीक है। तो मतलब फिर इसकी खुदाई करवा दी? खुदाई दो हो गई जी इसकी। दो खुदाई जी। बहुत बढ़िया। अब जैसे ये जुताई करके आपने डाल रखा इसको? डाल रखा। तो उसके बाद में जैसे खुदाई हुई जब भी तो कुछ लगाया होगा इसमें? नहीं फिर नहीं कुछ लगाया जी। अब कुछ नहीं लगाया? ना कुछ नहीं, जब से वो एक ही यूरिया में चल रहा। हाँ जी हाँ। तो बहुत बढ़िया कलर आ रहा है जी इसमें तो, और ब्याज भी काफी अच्छा कर रखा है। बस अब इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे भैया। अच्छा अब ये मिट्टी के लिए तैयार है जी। तो मिट्टी कब तक चढ़ा दोगे इसमें? इसमें कल को चढ़ा देंगे। कल जी फिर इसका काम खत्म? बस खत्म, इसे पानी देंगे छुट्टी। छुट्टी। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के बीज कैसा लगा जी? टॉप बीज है। टॉप बीज। हाँ मन को बस गया। हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों देखो ये वीडियो जो है वो जैसे पहले हम क्लासों में पढ़ रहे थे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी की बेमतलब की अफवाहों पर मत जाओ। हाँ। चाहे बोलो एक पूली लेकिन उसे उस पर काम करो, क्योंकि जिस डॉक्टर ने जिस साइंटिस्ट ने ये बीज बनाया होगा उसने बहुत इस पे मेहनत करी होगी। अगर वो मेहनत ना करता तो वो इस बीज को मार्केट में ना भैया। एक बीज आने के लिए 15 साल लगते हैं। 15 साल लगते कम से कम 15 साल लगते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम तो इसी के साथ में किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं कि जब 38 आया था तो वो भी तो 38 किसी को फेल करके आगे आया था। 67 को। 67 को फेल करके रिप्लेस करा था उसने। अब जो है इसमें आपने देखा होगा इसके बाद में 38 के बाद में 0118 बीज आ गया जो 38 को पीट रहा। उसके साथ ही आया था उसके? हाँ जी हाँ जी। पर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा था? नहीं जब पहले जो 7 आया था ना पहले। हाँ। वो छोटी पोरी का आया था। अच्छा। अब लंबी पोरी का आया। उसके बारे में मुझे जानकारी? हाँ जी। नहीं क्योंकि मैंने बोया नहीं का हिसाब था उनका। हाँ, मैंने बोया नहीं। अब जो है 18 नंबर 1 चल रहा है, लेकिन अगर आपके पास में 18 नहीं है तो आप 35 को भी अच्छा विकल्प मान सकते हैं। आप आंख मीच के बोलो। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी दोस्तों, लाइक शेयर करें। नमस्कार।